अरे वायुष, क्या बात है। एक और फोर्ड इको स्पोर्ट, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें ज्यादा ही प्यार है फोर्ड इको स्पोर्ट से। ज्यादातर हर हफ्ते के हफ्ते तुम एक नई इको स्पोर्ट के साथ आ जाते हो। देखो मुझे तो है ही प्यार इको स्पोर्ट से, मगर ये जो इको स्पोर्ट हम हर हफ्ते ले आते हैं, ये हमारा प्यार के साथ साथ कस्टमर्स का भी प्यार है, क्योंकि जितने भी हम इको स्पोर्ट ले आए हमारे शोरूम पे कमी पड़ जाती है हमेशा। जब जब हम इको स्पोर्ट लाते हैं वो हर हफ्ते रोटेट हो जाती है, बिक जाती है, फिर से नहीं आती है। तो हमें भी प्यार है, कस्टमर्स को भी प्यार है, इसलिए उन्हीं की डिमांड पे हम बार बार आपके लिए वही गाड़ी लाते रहते हैं। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी आयुष, गाड़ी है जबरदस्त। मतलब गाड़ी की रोड प्रेजेंस ले लो, बॉडी वाइज ले लो, या कैसे भी ले लो, बहुत बेहतरीन गाड़ी है। तो अब बात करते हैं इसके फीचर्स के लिए कि आप किस वेरियंट में गाड़ी लेकर के आए हैं और इस वेरियंट में हमें क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं। देखो आज की जो गाड़ी लाए हैं हम, वो लाए हैं उनके लिए जिनकी रनिंग भी ज्यादा है, जिन्हें माइलेज भी अच्छा चाहिए, क्योंकि आज की गाड़ी हमारी डीजल वेरियंट में। और एक और चीज अच्छी है इसके साथ कि यह है सबसे टॉप एंड वेरिएंट, जिसमें आपको सनरूफ भी मिल जाता है। तो गाड़ी में माइलेज तो मिल ही रहा है, आपको साथ साथ मिल रहे हैं बहुत ही अच्छे अच्छे फीचर। तीसरी चीज, दिल्ली एनसीआर में रहने वालों के लिए, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में सबको पता है कि डीजल के लिए 10 साल वाला रूल जो है वो लागू हो रखा है। तो ये गाड़ी आज हम आपके लिए लाए हैं 2021 के रजिस्ट्रेशन के साथ, जिसमें आपको 10 साल के लिए वैलिड मिल रही है गाड़ी 2031 तक। तो आपके पास टाइम भी बहुत सारा है इस गाड़ी को चलाने के लिए, तो आज आपके लिए गाड़ी एकदम परफेक्ट होने वाली है। तो 2021 के रजिस्ट्रेशन के साथ फोर्ड इकोस्पोर्ट टाइटेनियम प्लस वेरिएंट में, डीजल में, और आज आपको मिल रही है बहुत ही कम ड्रिवन, जो कि हम बताएंगे वीडियो के एंड में। तो इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, तो बात अभी भी वहीं पे अटकी हुई है आयुष, की क्या क्या फीचर्स हमें मिल रहे हैं इंटरनली। देखो वैसे तो इस गाड़ी के फीचर्स बताने की किसी को नीड ही नहीं है, सबको पता है इसमें क्या क्या फीचर मिलते हैं, मगर जितनी भी बार मुझसे फीचर पूछ लो मुझे बताने में बड़ा मजा आता है इस गाड़ी के फीचर्स। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रंट के इसके बल्की लुक से। जो आप फ्रंट का लुक देख रहे हो भाई, एकदम बुल वाला लुक आता है इसका फ्रंट से, मतलब कॉम्पैक्ट एसयूवी होके भी ये फ्रंट से एसयूवी लगती है फुल फ्लेज जैसी। तो बहुत ही अच्छा प्यारा लुक मिल रहा है इस गाड़ी के साथ। फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको एक DRL मिल रहे हैं, प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल रहे हैं और फॉग लैम्प भी मिल रहे हैं फ्रंट में। तो ये इसके फ्रंट के फीचर हो गए। अगर आप साइड से गाड़ी को देखोगे तो एकदम परफेक्ट कॉम्पैक्ट एसयूवी कार दिखती है ये, जिसमें आपको रूफ रेल्स भी काफी अच्छे मिल रहे हैं। साइड में आप देखोगे ORVM पे टर्न इंडिकेटर मिल रहे हैं, ORVM इसके इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल है, आपको इसमें अलॉय व्हील मिल रहे हैं और काफी अच्छे अलॉय व्हील आते हैं इसके, मतलब आपको देखने में कोई आफ्टर मार्केट चेंज करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, काफी प्यारे लुक देते हैं। पीछे से बात करें तो आपको स्टेपनी जो देखने को मिलेगी इसके पीछे, वो सबसे सेफेस्ट चीज है इस गाड़ी के अंदर, क्योंकि अगर ज्यादातर आप देखोगे गाड़ी पीछे से हमेशा पीछे वाले की गलती से लगती है या फिर कभी कभार पार्किंग करते हुए लग जाती है, तो सबसे पहले इसकी स्टेपनी बीच में आ जाती है, तो वो आपकी जो पीछे से डिक्की होती है उसे बचा लेती है। तो इंटरनल फीचर में जाने से पहले सबसे पहले तो आप डोर पे देखोगे, सबसे अच्छा फीचर जो कि है इसका कीलेस एंट्री का, वो सबसे ज्यादा फायदा आपको तब देता है कहीं से भी आप आ रहे हो, जल्दी में हो, चाहे आप गर्मी में आ रहे हो, चाहे बारिश में आ रहे हो, आपको इसमें कोई रिमोट से बटन दबाने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं करना, आपकी जेब में चाबी, आपने जैसे ही डोर पे हाथ लगाया आपका गेट अनलॉक हो जाएगा, बस चाबी रेंज में होनी चाहिए। तो ये फीचर सबसे अच्छा है इसका, जिसमें कोई बटन भी नहीं दे रखा। आप अक्सर देखोगे आजकल गाड़ियों में बटन देते हैं कि कीलेस एंट्री में पहले आप बटन दबाओगे तभी आपका गेट खुलेगा, इसमें बस आपका हैंड जाना चाहिए हैंडल के ऊपर और तुरंत आपका गेट अनलॉक हो जाएगा और वहीं से ही आपका क्लोज हो जाता है। आई थिंक सेंसर्स होते हैं इसके अंदर, राइट? बिल्कुल, एकदम सेंसर होते हैं इसके अंदर कीलेस एंट्री के लिए। तो फिर जैसे ही आप इंटरनल में जाओगे तो आप सबसे पहले तो देखेंगे डुअल टोन में आपको इसका इंटीरियर देखने को मिलेगा, काफी अच्छा कलर कॉम्बिनेशन दिया हुआ है गाड़ी के अंदर। और आप देखोगे डोर पे आपको एक तो चारों पावर विंडो मिलते हैं, आपके इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल साइड मिरर मिलते हैं
और वहीं से ही आपको ORVM को एडजस्ट करने का और क्लोज ओपन करने का सिस्टम मिलता है। और गाड़ी पे आप देखोगे आपको ट्यूटर्स तो मिल ही रहे हैं, साथ में आपको मतलब चारों गेटों में स्पीकर के साथ ट्यूटर भी मिल रहे हैं, तो काफी अच्छी साउंड क्वालिटी है इसकी। और फिर आप देखोगे स्टेयरिंग माउंटेड सारे के सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं इसमें, इंफोटेनमेंट से रिलेटेड या फिर आपके ऑडोमीटर से रिलेटेड। पुश बटन स्टार्ट मिल रहा है गाड़ी के अंदर, इंफोटेनमेंट इसका टच स्क्रीन है जिसमें आपको सारे के सारे फीचर मिलते हैं जैसे कि एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो या आप इनबिल्ट नेविगेशन की बात कर लो। और बहुत ही कंफर्टेबल और काफी अच्छा मतलब इसमें फीचर अच्छे अच्छे दिए हुए हैं। इंफोटेनमेंट के साथ आप जितने भी इसमें कंसोल बटन्स देखोगे आप उनकी फिट एंड फिनिश देखोगे बहुत ही अच्छी करी हुई है फोर्ड ने। मतलब मैं कंपेयर करता हूँ किसी भी गाड़ी से तो मुझे सबसे अच्छी जो फिट एंड फिनिश लगती है वो फोर्ड की लगती है। तो काफ़ी अच्छा स्लीकी लुक के साथ और स्लीकी टच के साथ इसके सारे सिस्टम मिलते हैं और इसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिलता है। और आपको सबसे अच्छी चीज़ जो मैंने शुरू में बताई थी, सनरूफ का मज़ा मिल रहा है गाड़ी के अंदर। तो अगर बच्चे बच्चे हैं, सबसे ज़्यादा शौक बच्चों को ही होता है सनरूफ का, तो वो फीचर काफ़ी अच्छा है आज की डेट में। और आप देखोगे सीट कवर्स काफ़ी अच्छी कंडीशन में मिल रहे हैं, वो भी आपको डुअल टोन में मिल रहे हैं आपको। और गाड़ी में जितना भी आप स्पेस की बात करोगे आपको स्पेस की कहीं भी कमी नहीं लगने वाली है। लेग स्पेस भी काफ़ी अच्छा है, कंफर्ट भी काफ़ी अच्छा है गाड़ी के अंदर और हेडरूम भी काफ़ी अच्छा है। अगर हम बात करें आगे की ही, तो आगे भी आपको हैंडरेस्ट मिलता है और पीछे भी हैंडरेस्ट मिलता है जिसमें पीछे आपको 2 कप होल्डर्स के साथ हैंडरेस्ट मिल रहा है। तो कम्फर्ट के लिए गाड़ी ने कहीं भी पीछे नहीं छोड़ा है अपने किसी भी चीज़ को। पीछे भी आप देखोगे आपको लेग स्पेस काफ़ी अच्छा मिल रहा है और हेडरूम भी काफ़ी अच्छा मिलता है। और गाड़ी में एयरबैग की बात करें तो डुअल एयरबैग के साथ आपको ये गाड़ी मिल रही है। और सेफ्टी तो आपको पता ही है कि गाड़ी के अंदर लोहा कितना अच्छा दिया हुआ है, मतलब टाटा के बाद अगर महिंद्रा, टाटा और फोर्ड, ये सारी गाड़ियां सबसे ज़्यादा सेफ्टी वाइज में ही मानी जाती हैं। अब बात करते हैं बूट स्पेस की, तो बूट में भी आपको काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है जिसमें आपके आराम से 4-5 लगेज बहुत ही आराम से आएंगे बड़े बड़े। और सारी गाड़ी के अंदर जितने भी स्पेसिंग करी गई है काफ़ी अच्छी करी गई है, तो मुझे तो ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और ये बिकती भी इसी वजह से इतनी ज़्यादा है क्योंकि कस्टमर्स के लिए भी एकदम परफेक्ट कॉम्पैक्ट SUV कार बनती है। ओके, तो अब बात करते हैं इसकी ओनरशिप डिटेल की और किलोमीटर की, जिसका अभी तक आपने सस्पेंस बनाया हुआ है, और इसकी प्राइसिंग की कि किस प्राइसिंग में आज आप ये हमारे ऑडियंस को जो है वो प्रोवाइड कर देंगे। देखो किलोमीटर का सस्पेंस मैंने बनाया इसलिए हुआ था, ऐसा नहीं है कि बहुत 2-4 हज़ार ही किलोमीटर चली हुई है। सस्पेंस इसलिए था क्योंकि डीजल की गाड़ी आप कभी भी देखोगे तो आपको हमेशा ज़्यादा चली हुई मिलती है, मगर ये गाड़ी ज़्यादा चली हुई नहीं है, ये गाड़ी सिर्फ चली हुई है 36,000 किलोमीटर। तो इस गाड़ी के लिए ये बिल्कुल एकदम ना के बराबर है, या आप किसी भी डीजल गाड़ी के लिए कह लो तो ये बहुत ही कम किलोमीटर में मानी जाती है। तो 36,000 किलोमीटर ये ड्रिवन है, फर्स्ट ओनर में आपको गाड़ी मिल रही है और गाड़ी मैंने बताई दी है सबसे टॉप एंड वेरिएंट में मिल रही है, सारे फीचर्स इसमें लोड हैं, तो आपको गाड़ी में किसी भी चीज़ के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। रही बात प्राइसिंग की, प्राइसिंग से पहले मैं बता देना चाहता हूँ गाड़ी पे आपको फोर्ड की तरफ से अभी जो वारंटी है वो ही बची हुई है, और अगर बात करें तो आपको नॉर्मल महिंद्रा की तरफ से भी वारंटी मिलती है इस पे। तो फिलहाल तो अभी फोर्ड की तरफ से है तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, और फाइनेंस फैसिलिटी ऑल ओवर इंडिया में अवेलेबल है। और प्राइसिंग की बात करें तो गाड़ी को आज हम दे देंगे आपको सिर्फ और सिर्फ 9.5 लाख रुपए में, मतलब 9.5 लाख रुपए में एकदम चमचमाती हुई नेक्स्ट शोरूम कंडीशन गाड़ी जो है वो आप प्रोवाइड कर रहे हो, वो भी लेस ड्रिवन और माइलेज में तो डीजल गाड़ियों का आपको पता ही है कि कोई मतलब जोड़ ही नहीं है। सो आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस गाड़ी से रिलेटेड और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो डायरेक्टली आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे मोबाइल नंबर पे जो कि आपको शो हो रहे होंगे हमारी स्क्रीन के ऊपर, और अगर आप इसकी टेस्ट ड्राइव चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं हमारे शोरूम द कार शॉप को, और उसका भी एड्रेस आपको जो है वो शो हो रहा होगा हमारी स्क्रीन के ऊपर। सो थैंक यू सो मच।